हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 का, दोस्तों आपके सामने साइंस का दोस्तों वर्कशीट माह मार्च का लेके आ चुका हूँ आपके सामने। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, देन पिताजी का नाम लिखना और माताजी का नाम। लिखने के बाद यहाँ पर आप अपनी क्लास लिख देंगे दोस्तों, 8th क्लास। और इसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है, इस प्रकार लोहे के टुकड़े को सीट में परिवर्तित कर देता है, तो बताइए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोहे के टुकड़े को चपटा सीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता दोस्तों? तो ये आघात वर्धनता कहलाता। आघात वर्धनता यानी किसी भी जो धातु है उसको अगर पीटते हैं तो क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर सीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा दोस्तों? तो पेशीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेशी बल कहलाएगा, यानी पेशियों की मदद से जो बल लगाते हैं क्या कहलाता है? पेशी बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न क्रमांक 2 आप देख सकते हैं, अमीबा का चित्र दिखाया जा रहा है दोस्तों। ये चित्र को आपको समझ के अब आपको चित्र के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का भी उत्तर आपको। सिंपली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र को देखकर यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न की, चित्र में दिए गए एक कोश की जीव का नाम बताइए, तो अमीबा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? एक कोश की जीव कहलाता है। यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता दोस्तों? तो इसका भी आप आंसर नोट करेंगे, अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करती है और भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों को नाम बताइए दोस्तों। इस जीव के द्वारा जो होने वाले रोग है वो अमीबावाइसिस कहलाता है। ठीक है, अमीबावाइसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे कि नीचे दिए गए चित्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको। ठीक है, ये आपको एक चित्र दिया गया है दोस्तों, ये आपके आंख के अंदर का चित्र होता है जो कि इंटरनल पार्ट होते हैं। ये पार्ट दोस्तों पक्षाप पेशी कहलाता है, ये परिवारिका होता है, ये लेंस जो ये एरिया देख रहे हैं दोस्तों ये लेंस कहलाएगा, ये कॉर्निया होती है। ठीक है, ये बाहर की ओर कॉर्निया होती है दोस्तों और अंदर की ओर रेटिना होती है। ठीक है, जो अंदर की ये देख रहे हैं लाइन ये क्या कहलाएगी दोस्तों? किनारे वाली ये रेटिना कहलाएगी। ठीक है, और ये दोस्तों प्रकाशिक तंत्रिका होती है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है नंबर, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका आंसर दीजिए, क्या कारण क्या हो सकता है? ठीक है दोस्तों, तो हम नहीं देख सकते, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं स नंबर पर दोस्तों। स नंबर पर आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट को समझते हैं। ठीक है, इससे पहले प्रश्न को जान लेते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन होगा वो बताइए। ठीक है, वस्तु का नाम देख सकते हैं, परावर्तन का प्रकार देख लीजिए। यहाँ पर सारे आंसर नोट कर दिए गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में आपको बता दूं, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों। 4 में आपको एक परिपथ दिया गया है दोस्तों, इस परिपथ का आपको डायग्राम बना हुआ पहले से रहेगा आपके वर्कशीट पर, तो आपको परिपथ के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला, इसके 3 संभावित कारण लिखे दोस्तों। तो पहला कारण है बल्ब फ्यूज हो सकता है, बल्ब क्या होगा दोस्तों? फ्यूज हो सकता है। सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर हमारी वेबसाइट को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या फिर आप गूगल पर सिंपली सर्च कर सकते हैं helpexam.in दोस्तों, तो आपको पूरी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पर सिंपली दोस्तों विजिट करके आप पूरे वर्कशीट को दोस्तों यहां पर क्लास 8 की पूरी वर्कशीट जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों हमारे सभी सब्जेक्ट को आप आसानी से वर्कशीट का आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आंसर देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अम्ल और क्षार दोस्तों, अम्ल क्षार लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घुलने पर डाउटनेट। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है
और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट एंड ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसे चालक बना देते हैं। अगला प्रश्न है, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों का नाम लिखिए। दोस्तों जो खेतों में जल देने की आधुनिक विधि है, ड्रिप द्वारा, पट्टी द्वारा और सिंचाई विधि, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करने वाले दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर, नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने का जो कंपायमान मुख्य भाग है उसका नाम लिखना। सिंपल इस दोस्तों, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट बना दिया गया, ब्रैकेट में बीड़ा है, तबला, ढोलक, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम, झांझ, सभी के दोस्तों यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिए हैं। उत्पन्न करने वाले उपकरण के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो आप सिंपल इसको देख करके दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाकायदा वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करने वाले दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया आपसे, ध्वनि प्रदूषण मानव के किस प्रकार हानिकारक है, मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों हम सभी को पता है ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, तो अपने शब्दों में नोट कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे अनिद्रा और तनाव को उत्पन्न करता है, और शक्ति की जो शक्ति होती है दोस्तों, सुनने की शक्ति होती है, उस पर क्या होता है, अस्थायी रूप से कमी आती है। अगर हम लगातार शोर पर बने रहेंगे तो हमारी जो सुनने की जो क्षमता होगी प्रतिदिन घटती जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूछा गया आप लोगों से, एक दिन जूतों की एक दुकान पर गया, दोस्तों बूझो एक दिन जूतों की दुकान पर गया, वहां तरह तरह के जूते रखे थे, बूझो को वहां कोई भी ऐसा जूता नहीं दिखा जिसके सोल या तले खांचेदार ना हो। जूतों के इस प्रकार के खांचेदार तले को देखकर बूझो को ध्यान आया कि तो उस ध्यान किस तरह का आया कि उसने कारों में देखा था, बसों में देखा था, कि उनके टायरों पर बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, तो चप्पलों पर भी क्यों बने हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको नोट करना है, तो ये नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया है, तो बहुत इजीली तरीके से तो आप नोट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, जूते के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं दोस्तों, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर नोट कर दिया गया, तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न में बात करने वाले हैं, जो कि सन नंबर है, कि वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं दोस्तों, तो ये रबर से बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रबर से बनाए जाते हैं, ओके। चलिए अब हम अगले प्रश्न में बात करने वाले दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कार पर हम पहुंच चुके हैं, जिस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अ नंबर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कि वनों उन्मूलन यानी वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव और वनमूलन का स्थायी हल सोचना, इन्हीं बिंदुओं के अध्ययन पर जानकारी को एकत्रित करके लिखना है आपको। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वर्गीकृत क्या है दोस्तों, ये बताइए। तो पहला आपको प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण बताने दोस्तों, यहाँ पर नोट कर दिया मैंने, सिंपली ब्रैकेट को दोस्तों आप देख करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनानी, कितनी सूची बनाएंगे आप लोग, 4 सूची बनाएंगे। तो इस सूची में दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया, वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम और पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, दोस्तों यहाँ पर पहले का आंसर पहले बता दिया गया था, तो हम 4 और नोट कर लेंगे दोस्तों, ये 4 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, तो सिंपली आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी फायदा हो सके दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, कि वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए दोस्तों। इसको देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया कि वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है और उनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं दोस्तों। ये ब्रैकेट आपका दिख रहा है दोस्तों, जब आप यहाँ पर वर्कशीट लेने जाएंगे दुकान से दोस्तों, तो ये जो वर्कशीट आपको मिलेगी, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट खाली है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ विलुप्त होने वाले या फिर जिनका आवास नष्ट हो चुका है उन प्रजातियों का या उन जीवों का आपको यहाँ पर चित्र दोस्तों चिपकाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे दोस्तों।
तो प्राकृतिक और अर्ध प्राकृत वह स्थान जहां जानवरों को संरक्षित रखा जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक वह स्थान जहां जानवरों को संरक्षित रखा जाता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन आप मेनली रूप से इनको दो को नोट कर लेंगे, ठीक है। वन और वर्षा में क्या संबंध दोस्तों, वन और वर्षा में क्या संबंध, यहाँ पर मैंने इजीली तरीके से आपको बता दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बकायदा इसको नोट डाउन हुए करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में बात करने वाले दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न हमारा है अगला, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसको। हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए, लगभग एक टन कागज बनाने में 17 वृक्षों को काटना पड़ता है, 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक आप बिल्कुल आवश्यक ना हो प्रिंट आउट ना लें, कागज का समझदारी से उपयोग करें, लिखने के लिए कागज के दोनों भागों का प्रयोग करें, किसी भी तरह से कागज का अनावश्यक रूप से उपयोग ना करें दोस्तों, ठीक है। अब बात करने वाले हमारा जो लास्ट आंसर है दोस्तों, वो किस तरह से नोट करेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट आंसर पे पहुंच चुके हैं कि समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों में आपतित कोण के लिए परावर्तन कोणों की गणना कीजिए, किस तरह से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण की गणना करना है, तो नीचे दिए गए अनुसार से आपको दोस्तों यहां से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों, जिस तरह से चार्ट मैंने बनाया उसी तरह से आपको बना हुआ पहले से रहेगा, बस आप उसमें फॉर्मेट के हिसाब से नोट कर लेंगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान और ये रेखा चित्र देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पर नोट कर दिया दोस्तों, सिंपली आप बकायदा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको नोट डाउन कर लेना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वर्कशीट के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।